जो गूगल होता है ना, वो कोई मतलब एक बंदा कोई बैठा नहीं हुआ जो आपके फीलिंग्स को समझ रहा है या इमोशंस को समझ रहा होता है, क्या है ना, ब्लॉग पोस्ट मतलब गूगल में रैंक नहीं कर पाता है या इंडेक्स भी नहीं होता है, ये सब इशू रहते हैं, ये भी एक फैक्टर है और एसईओ का तो बहुत ही बड़ा कर रहा है। तो फिलहाल ये कीवर्ड देख के ज़्यादा मतलब कमेंट नहीं कीजिएगा ऐसा वैसा। फिलहाल इस कीवर्ड पे लड़की कैसे पढ़ा है, इस पे रैंक कर रहा है वो, बेसिकली पॉइंट है एसईओ फ्रेंडली क्या होता है। आर्टिकल देखो, जो ये मैं हेडिंग डाल के रखा हूँ टाइटल में, भोजन के प्रकार, हमारा भोजन कैसा हो, ये हमारा H1 टैग है। और रहा था ये देखो ब्लॉग स्पॉट पे रैंक कर रहा है, क्यों? इस साइट को थोड़ा सा आप देखो, हम इंस्पेक्ट करते हैं, पता नहीं आपको ये प्रोसेस पता है कि नहीं, कोई भी साइट को जब देखना है ना कि क्यों रैंक कर रहा है। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं गाइस, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बात करूंगा ना, बेसिकली वो जो बिगिनर्स होते हैं वो ब्लॉग स्पॉट पे अपना जो वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें काफी मिस्टेक्स करते हैं। ब्लॉग पोस्ट लिखते वक्त मिस्टेक तो करते ही है, और साथ में बहुत सारे मिस्टेक करने के बाद वो लोग यहाँ वहाँ देखते हैं कि जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के ग्रुप्स है, तो वहाँ पर पब्लिश करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ब्लॉग पोस्ट मेरा इंडेक्स नहीं हो रहा है, रैंक नहीं हो रहा है। तो उसका बेसिकली कारण क्या होता है? तो देखो, जो गूगल होता है ना, वो कोई मतलब एक बंदा कोई बैठा नहीं हुआ जो आपके फीलिंग्स को समझ रहा है या इमोशंस को समझ रहा होता है और आपको रैंक करवाएगा। यस, कंटेंट इज द किंग होता है, कंटेंट तो आपका अच्छा होना चाहिए। तो कंटेंट बहुत सारे के अच्छा होने के बाद भी ब्लॉग पोस्ट मतलब देखते हैं कि रैंक नहीं करता है, उसका फैक्टर क्या हो सकता है? अब बहुत सारे देखोगे कि ब्लॉग स्पॉट पे ही अपना ब्लॉग बनाकर और रैंक करवा लेते हैं अपने वेबसाइट को, तो वो भी मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। पूरा साइट का एक मतलब एनालिसिस कर देंगे कि कैसे आपको चेक करना है किसी वेबसाइट में क्या है नहीं है, तो उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली जो होता है ना, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो भी देखते हो, तो वेबसाइट को गूगल रीड करता है उसके कोड से, कोडिंग से वो रीड होता है ना। देखते होगे जो भी वेबसाइट पहले बनते थे वो बेसिकली कोडिंग करके बनाया जाता था, HTML, CSS, JavaScript का। आज भी उसी पे बनता है, लेकिन आज इतना आसान हो गया है कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस पे हम लोग क्या करते हैं, सारे थीम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, कस्टमाइज करते हैं, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट तैयार कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को कोडिंग का नॉलेज है ना, तो उसको काफ़ी हद तक SEO का नॉलेज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोडिंग को जरूर सीखे अगर आप लोग ब्लॉगर कहीं भी मतलब ब्लॉगिंग करते हैं और आपको ज़्यादा दिन तक टिके रहना है इस फील्ड में, अच्छा करना है, तो आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। उससे आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, 70-80% तक काम उसमें आसान हो जाता है अगर आपको कोडिंग्स वगैरह आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गूगल आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड करेगा तो वो रोबोट को भेजता है ना, तो एक अगर कोई हेडिंग लिखा हुआ है तो वो H1 टैग से समझता है कि ये हेडिंग लिखा हुआ है, यही इसका मेन हेडिंग है, समझ रहे हो बात को? अगर आप उसको लिख दिए, आप मान लो कि H3 H4 कोड में लिखा हुआ है, तो गूगल उसको रीड नहीं कर पाता है। तो उसी तरह ब्लॉग पोस्ट में जो आपको दिए रहते हैं सारे, किसको हेडिंग रखना है, किसको सब हेडिंग करना है, तो उसमें बहुत सारे बिगनर्स मिस्टेक करते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखते हुए, और जिसके कारण क्या है ना, ब्लॉग पोस्ट मतलब गूगल में रैंक नहीं कर पाता है या इंडेक्स भी नहीं होता, ये सब इशू रहते हैं, ये भी एक फैक्टर है और SEO का तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो बिगनर समझते नहीं। और हालांकि इस तरह से कोई बताता नहीं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कोई वेबसाइट को निकालना है, आपको इंस्पेक्ट करना है कि क्या उसमें क्या कमियां रह गई, ठीक है ना। किसी टूल्स के भरोसे मत रहिए कि SEO करके मतलब उसमें डाले लिंक और ये बता रहा है कि देखो क्या क्या मिस्टेक्स है, हालांकि वो भी आपके मिस्टेक्स को बताता है, लेकिन वो भी एक टूल्स ही है। तो कोशिश करो एक खुद से कैसे एनालिसिस कर पाए अपने कस्टम वे से, है कि नहीं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या सीखने वालों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। गाइस, चैनल पहली बार है ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप लोग ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग ये सब करते हो, है कि नहीं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, समझते हैं सारे प्रोसेस। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और यहाँ से आपको जरूर ना जरूर कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। और ऐसा वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बनाता हूँ, मैं पर्सनली फील करता हूँ उसके बाद ही वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए आप लोग देखते भी होंगे मेरे चैनल, वीडियोज़ रेगुलर नहीं मिल पाते हैं, तो उसका बहुत ही कारण रहता है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो भी वीडियो मिलता है वो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू जरूर देगा। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी वेबसाइट में जब आप देखते हैं कि बहुत लोग बिगनर्स अपना ब्लॉगिंग का जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। कभी सर्च कंसोल के में ऐड करते हैं अपना साइट और इंडेक्स नहीं होता है, रैंक नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है? तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, चले पहले हम लोग कुछ टाइप करते हैं ऐसा क्यों होता है और अपने अपने साइट को कैसे ठीक करते हैं ये बात करेंगे, ठीक है ना।
आपका साइट चाहे ब्लॉगर पे हो, वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस पे तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है, लेकिन जितने बिगनर से वो ब्लॉगर पे ही अपना वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, तो हम कोई एक वेबसाइट को खोलते हैं। तो मेरे नज़र में एक वेबसाइट है जो ब्लॉग स्पॉट पे बना हुआ है, रैंक कर रहा है। तो फिलहाल ये कीवर्ड देख के ज़्यादा मतलब कमेंट नहीं कीजिएगा ऐसा वैसा, फिलहाल इस कीवर्ड पे लड़की कैसे पटा है इस पे रैंक कर रहा है वो ब्लॉग स्पॉट पे, कितने नंबर पे ये देखिए, सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। सेकंड नंबर पे रैंक क्यों कर रहा है, अब मैं इसको पूरा खोल के दिखाने वाला हूँ। इसका डोमेन रेटिंग भी मैंने सब चेक किया, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसने बहुत ही मतलब कमाल के पोस्ट लिख रखे हैं बहुत सारे, जिसका मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही कम है। तो देखो होता क्या है ना, जब तुम लोग ब्लॉगर पे स्टार्ट करते हो ब्लॉग, तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हो, रुको एक बार मैं खोल के दिखाई देता हूँ, एक बार मैं ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ। ओ भाई खुल, इंटरनेट का इशू है क्या, चलो टाइप कर लेते हैं, चलो ये देखो आ गया। तो होता क्या है, मान लो हम कुछ मतलब क्या कहना, चलो किसी एक ब्लॉग को खोल ही लेते हैं, चलो इसका डेमो के लिए है सिर्फ। अब जैसे होता क्या है ना, मान लो मुझे कुछ एक हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग जब देते हैं हम लोग, तो जैसे कि जैसे मान लो कि हमें एक हेडिंग बनाना है, तो मान लो कि मैं इसको एक इसको हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर दो पॉइंट को ध्यान में रखना, सबसे जो बेसिकली पॉइंट है SEO फ्रेंडली क्या होता है आर्टिकल। तो देखो जो ये मैं हेडिंग डाल के रखा हूँ टाइटल में, भोजन के प्रकार, हमारा भोजन कैसा हो, ये हमारे H1 टैग है, और एक पोस्ट में एक H1 का होना बहुत ही जरूरी है। तो H1 तो आपको देना नहीं पड़ेगा, वो टाइटल से आ जाएगा, ओके। वर्डप्रेस में तो सारे अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से हम लोग सेटअप करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो टाइटल दिख रहा है आपको, ये H1 है, उसके बाद हम लोग जो टाइटल देंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, नॉर्मल मेजर हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ नॉर्मल, इनका यूज करना है। बहुत सारे क्या करते हैं, सब में लगा देते हैं मेजर हेडिंग, जैसे कि एक तो हेडिंग हो गया हमारा ये टाइटल, अब जो दूसरा देंगे ना वो भी हेडिंग रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हेडिंग देंगे, अब मान लें कि हेडिंग तो हो गया, अगर आपको इसका साइज छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पर दिख रहा है ना फॉन्ट साइज से जाकर हम लोग इसका साइज मीडियम, लार्ज, लार्जेस्ट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको क्या रखना है, हेडिंग में। उसके बाद क्या है, एक देखिए ऊपर वाला हो गया आपका H1, और ये हो गया हमारा क्या हेडिंग, मतलब ये H2 हो गया, क्योंकि ये मेजर हेडिंग था, ठीक है ना, ये H1 है। देखो अगर तुम मेजर हेडिंग इसको कर दोगे तो ये फिर H1 हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। एक पोस्ट में एक ही H1 होना चाहिए, जो गूगल को बताता है, ठीक है ना, जो मेन टाइटल होता है वो H1 से पहचाना जाता है। तो गूगल को बस एक H1 चाहिए, तो एक H1 से तो उसका काम हो गया। अब चलो हम लोग कुछ, अब जैसे कि आर्टिकल में तो एक H1 रह गए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे जाएंगे, और एक ये तो H2 हो गया हेडिंग, अब हम लोग एक सब हेडिंग देंगे जो H3 होगा। तो मान लो हमको एक H3 बनाना है, तो उसके बाद कुछ जो भी कंटेंट लिखे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक H3 बनाएंगे। हाँ चलो सिलेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सब हेडिंग। उसके बाद जितने भी यहाँ पर जाएंगे ना नीचे, आप लोग जितना भी कंटेंट यहाँ पर दीजिएगा, सब हेडिंग दीजिएगा, सब हेडिंग देना है। उसके बाद लास्ट में कुछ भी कंक्लूजन या जो भी निष्कर्ष निकालना, तो वो जो लास्ट का टाइटल होगा ना, कंक्लूजन अगर देते हैं, या फाइनल वर्डिक्ट इस तरह इंग्लिश में यूज होता है, और हिंदी में तो हम लोग निष्कर्ष करके यहाँ पर देते हैं, तो वो जो लास्ट वाला होगा उसको माइनर हेडिंग दे दीजिएगा, वो क्या होगा H4। तो एक बार हम इसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको बनाना है माइनर हेडिंग, तो ये हमारा क्या होगा H4। अब बाकी बात जितना भी ये बीच में जो आएगा ना, वो सारा का सारा H3 रहेगा। तो बस ध्यान में ये रखना है कि ऊपर वाला ये जो होना चाहिए, ये टाइटल तो H1 हो गया, और यहाँ पर कुछ इसी मिलता जुलता टाइटल से टैग बनाइएगा यहाँ पर क्या H2, जिसको हेडिंग कहेंगे। उसके बाद जितना भी नीचे हमको देना है सब हेडिंग, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, इसी आर्टिकल से, तो वो सारा सब हेडिंग में जाएगा। लास्ट में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे कुछ भी जो लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन जो भी, उसको माइनर हेडिंग कर दीजिए H4। तो इसको बोलते हैं पूरा SEO फ्रेंडली आर्टिकल। आपने सारे टैग का यूज किया, H1, फिर हेडिंग में लगाया वहाँ H2, बीच में सारा रखा H3, यहाँ पर H4 तक काफी है। तो इससे क्या होता है ना, गूगल को तुरंत पता चलता है, क्योंकि गूगल आपके इस कंटेंट को नहीं समझ रहा है ना क्या है, वो समझता है वो H1 H2 को देखकर आता है। अब आप कहेंगे कैसे, चलो हम चलते हैं एक साइट पे, जो मैं बता रहा था ये तो ब्लॉग स्पॉट पे रैंक कर रहा है, क्यों,
इस साइट को थोड़ा सा आप देखो, हम इंस्पेक्ट करते हैं। पता नहीं आपको ये प्रोसेस पता है कि नहीं, कोई भी साइट को जब देखना है ना कि क्यों रैंक कर रहा है, तो आपने भी साइट को आप देख सकते हैं। तो इस पे बस ये मोबाइल में फिलहाल नहीं हो सकता है, ये आपको एक लैपटॉप में कर रहे हैं तभी ब्लॉगिंग, अगर लैपटॉप से करते हैं तब आपके लिए बेनिफिशियल है। इस पे क्लिक करना है, जैसे ये टाइटल है तो इस पे चलो क्लिक करते हैं। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कोड दिखेगा कि ये देखो इंस्पेक्ट, देखो ये क्या है, H1 टैग है ना, है ना, एक H1 मैंने बताया कि टाइटल H1 होता है। अब चलो कुछ और देखते हैं। देखो अब इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये देखो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पता चलेगा इंस्पेक्ट पे फिर क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने बाद ये देखो ये क्या है, H2, तो ये हेडिंग था, ऊपर वाला H1 हो गया जो मेजर हेडिंग। अब उसके बाद नीचे चलते हैं, अब देखो इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जितना भी इसका मिलेगा देखो सब हेडिंग रहेगा। ये देखो ये क्या है, H3, उसके बाद जितना भी बीच का कंटेंट होगा ना वो क्या होगा, H3। चलो फिर इस पे देखो क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये देखो ये भी क्या है, H3। और चलते हैं नीचे, ये भी देखते हैं, ये तो हालांकि नहीं है, ये तो है लिस्ट में। अच्छा, इसने बहुत ही अच्छे तरह से कस्टमाइज करके रखा है अपने साइट को, किसी को भी चेक करो। ये देखो H4 है, इसने क्या किया है, H3 के बाद आप देखो लास्ट में H4 का भी यूज किया है। तो ये इसको बोलते हैं पूरा SEO फ्रेंडली आर्टिकल बनाना। आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी कारण इसका बहुत सारा पोस्ट क्या हो रहा है ना, रैंक कर रहा है गूगल पे, आप देख भी रहे हो, ब्लॉग स्पॉट पे बना हुआ है और अच्छा खासा ट्रैफिक ले रहा है। HREF में मैं बताऊंगा, कभी दिखाऊंगा कि ये कैसे मतलब ट्रैफिक ले रहा है, नया वेबसाइट है ब्लॉग स्पॉट पे, मतलब ज़्यादा तो ट्रैफिक नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है ब्लॉग स्पॉट पे, और एड्स भी लगे हुए हैं तो ये अर्निंग भी कर रहा है कि नहीं, अच्छा खासा ये अर्न भी कर रहा है, देखो एड्स दिख रहे हैं तो। और इसका जो लगता है जो ब्लॉग ये अपना थीम यूज कर रहा है ना, वो भी कस्टम टाइप का यूज कर रहा है, मैंने इनसे कॉन्टेक्ट भी किया था तो एक बार हम, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो एक बार इसके मेन पेज पे जाते हैं, देखो एड्स आ रहा है, मतलब अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है, रैंक कर रहे हैं बहुत सारे पोस्ट इसका, मतलब फर्स्ट में कुछ कुछ है लेकिन 3, 4, 5 नंबर पे बहुत सारा रैंक कर रहा है, तो उसमें 100, 200 सब में कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ रहा है इनका। तो आपको जब भी ये ब्लॉग स्पॉट पर अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि H1 देना, H1 तो हो ही जाता है, H2, H3 टैग्स किस तरह देना है, वो SEO फ्रेंडली होगा तभी जाकर आपका ब्लॉग अच्छा से सेटअप होगा और बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब गूगल को तब समझ में आएगा, तभी आपका ब्लॉग पोस्ट जल्दी से जल्दी इंडेक्स्ड भी होगा, रैंक भी होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा था, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसे जरूर से जरूर शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।